अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज कुक विद रहाना में कुछ भी नहीं पक रहा जी, क्योंकि गैस नहीं है। बाहर से खाना ले लेके थक गए और बाहर का खाना मज़ा भी नहीं देता। तो आज मैंने ये कुछ मेरे पास कपड़े रखे थे फालतू, तो मैंने उसको जला के आज मैंने अपना घर का खाना बना रही हूँ। हो सकता है आगे आप मुझे लकड़ियों पे भी खाना पकाते हुए देखें, क्योंकि गैस तो अब हमारी आएगी नहीं। तो हमने चाय भी इस पे बनाई थी और अब ये खाना भी इस पे बन रहा है। ये पतीला कुछ साफ़ इसलिए दिख रहा है कि जिस पतीली में पहले हमने आग लगा के पकाया था चावल, वो बहुत काला है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मगर ये ज़रा आग पहले अच्छी तरह से जल गई तो ये पतीला थोड़ा बच गया है। अब दूसरा जो पतीला चावलों का है वो तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जाहिर है, खुशी हो या गम, हमें खाना तो बनाना है ना। तो गैस हो या ना हो, हमें खाना बनाना तो है। तो ये देखें, इस पतीले का हाल आप देखें, इसमें चावल उबल गए हैं और उस पर से बस उबले हुए क्या ऐसे ही पका लिए, पता नहीं कैसे, क्योंकि बाहर के खाने हमारे समझ में आते नहीं हैं। तो देखिए जी, इसका पतीले को आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई क्या पतीला है। तो चलें, क्या करें जी, खुशी हो या गम, गैस हो या ना हो, हमें तो अपना खाना बनाना है। इंजॉय करें, कोयलों पर, लकड़ियों पर, कपड़ों पे पुराने जले जलाएं और मज़े के खाने पकाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।